हैट्रिक हिट फिल्में देना काफी ग्रेट अचीवमेंट होता है, और दूसरी तरफ डबल हैट्रिक हिट फिल्म देना रिसेंट टाइम पर काफी पॉसिबल बात होता है। पर ऐसे टॉलीवुड में तीनों एक्टर हैं जिन्होंने लगातार 6 फिल्में यानी कि डबल हैट्रिक हिट फिल्में दे चुके हैं। तो सच में ऐसे ही टॉलीवुड का डबल हैट्रिक हीरोज के बारे में बात करने वाली हूँ, और अगर आप हो टॉलीवुड फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 3 वेंकटेश। इस टॉलीवुड सुपरस्टार वेंकटेश ने अपनी कैरियर में डबल हैट्रिक हिट फिल्में दे चुके हैं, और वेंकटेश ने टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में 1986 पर डिबट किया था। और अगर उनका डबल हैट्रिक की बात करूं तो पहले आता है 1997 का फिल्म प्रेमिन चुकुन दमरा, जो बॉक्स ऑफिस पर हुआ है इंडस्ट्री हिट, और उसके बाद उसी साल रिलीज हुआ पेली चे सुकुन दम जो सुपर हिट, और इसके बाद सूर्या वंशम वो भी सुपर हिट साबित हुई, और उसके बाद 1998 का तीनों फिल्म गणेश हिट, प्रेमांते इदेरा ब्लॉकबस्टर, और दूसरी तरफ राजा सुपर हिट साबित हुई। और ऐसे करके 1997 का तीनों फिल्म और 1998 का तीनों फिल्म यानी कि टोटल 6 हैट्रिक हिट फिल्म देने के बाद वेंकटेश ने अपनी कैरियर में डबल हैट्रिक हिट लिस्ट पर शामिल हुआ। नंबर 2 पवन कल्याण। था दोस्तों, पावर स्टार पवन कल्याण भी इस लिस्ट पर शामिल है, और जहाँ पर उन्होंने 1996 पे अपनी टॉलीवुड डिबट किया, और इसके बाद उनका डबल हैट्रिक हिट फिल्म पर पहले आते हैं 1997 का फिल्म गोकुलम लो सीता जो हिट, 1998 का दोनों फिल्म सुस्वागतम सुपर हिट, थोली प्रेमा ब्लॉकबस्टर साबित थी, और इसके बाद आते हैं 1999 का थम्मोडु ब्लॉकबस्टर, 2000 का बद्री सुपर हिट, और 2001 का फिल्म खुशी इंडस्ट्री हिट साबित थी। और ऐसे करके पावर स्टार पवन कल्याण ने टॉलीवुड को दे चुके हैं डबल हैट्रिक हिट फिल्म। नंबर 1 नानी। हाँ दोस्तों, टॉलीवुड का काफी यंग टैलेंटेड एक्टर नेचुरल स्टार नानी भी इस लिस्ट पर शामिल है, और जब उन्होंने 2008 पर अपनी डिबट किया, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ डबल हैट्रिक हिट फिल्म नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा हिट फिल्म दे चुके हैं। हाँ दोस्तों, उनका लगातार 8 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुआ है हिट, यानी कि 6 हिट फिल्म देने के अलावा भी उन्होंने 2 एक्स्ट्रा हिट फिल्म दे चुके हैं। और नानी का हैट्रिक हिट फिल्म पर फर्स्ट रहा 2015 का ये वेदे सुब्रमण्यम जो हिट, और 2015 का दूसरा फिल्म भाले भाले मगाधी वॉय ब्लॉकबस्टर, और 2016 का तीनों फिल्म कृष्णा गादी वीरा प्रेमा गाथा हिट, जेंटलमैन हिट, मजनू हिट, और उसके बाद 2017 का तीनों फिल्म नानू नोकल हिट, निन्नु कोरी सुपर हिट, और इसके बाद मिडिल क्लास अब्बाई ब्लॉकबस्टर साबित थी। और ऐसे करके नेचुरल स्टार नानी ने अपने कैरियर में लगभग 8 फिल्में लगातार हिट फिल्म दे चुके हैं, और ऐसे करके उन्होंने डबल हैट्रिक हिट फिल्म का लिस्ट पर शामिल हो चुके हैं। तो ये रहा टॉलर फिल्म इंडस्ट्री का डबल हैट्रिक हिट फिल्म देने वाले हीरोज के बारे में, और तीनों एक्टर्स से आपका फेवरेट कौन सी है कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और साथ ही बॉलीवुड और साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।